हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप दिख रहे हैं टेक बार। आज मैं आप लोग को बताऊंगा गाइस बेस्ट फोन जो आप लोग खरीद सकते हो अगर आप गेमिंग वर्ल्ड में हो और 20,000 की कैटेगरी में फोन ढूंढ रहे हो, तो ये है वो बेस्ट फोन। पहले मैं फैक्ट्स बताता हूं मैं किसको बेस्ट क्यों बोल रहा हूं। गाइस, इसके जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो बहुत वेल ऑप्टिमाइज्ड, मैं उसको बोल सकता हूं गेमिंग के लिए। इसका टच सैंपलिंग रेट बहुत ज्यादा कमाल का है और जिसके स्टीरियो स्पीकर्स है, जो इसका लेफ्ट और राइट का सेपरेशन है, वो गेमिंग वालों को पता है कि ये सेपरेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो भी बहुत मस्त देखने में मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट जो बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया वो है इसका गेम टर्बो मोड। मतलब यहां पर एक GT मोड देखने में मिलता है, जिसमें अगर आप अपने गेम को ऐड करोगे और इसके अंदर बहुत सारी एडिशनल सेटिंग्स देखने में मिलती है जो कि आपके गेम एक्सपीरियंस को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लेके जा सकती है। और मैं गाइज आप लोग को ये तक कह सकता हूं कि 20,000 की कैटेगरी में ना ये बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है गेमिंग के अंदर, और शायद हो सकता है कि लाइक बहुत अच्छी तरीके नेक्स्ट नेक्स्ट कंपटीशन दे महंगे से महंगे फोनों को। वो मैं आप लोग को आगे चल के लाइक दिखाऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर आप स्पेसिफिकली गेम के बारे में जानना चाहते हो, नीचे चैप्टर्स में चेक कर लेना, मैंने इसके अंदर मल्टीपल गेम्स खेले हैं। तो मैं आप लोगों से स्टार्ट करना चाहूंगा BGMI से। तो मेरे पास जो है Poco X3 Pro है गाइस, मैं आप लोग को दिखाता हूं यहां पर BGMI की एक बार सेटिंग्स देखो। इसके अंदर जो है हमें HDR ग्राफिक्स और एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स देखने को मिलते हैं। कुछ फोन तो ऐसे भी है जो कि 30,000 की कैटेगरी में आते हो और तब भी ये सेटिंग्स नहीं देखने को मिलती। और इसको और इनहेंस करने के लिए मैं आप लोग को दिखाता हूं, जब आप GT मोड में इसके जाते हो तो अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो आपको परफॉर्मेंस मोड पे एक बार टैप करो, तो यहां पर आप वाईफाई को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अगर भाई आपके वाईफाई के लिए आप चाहते हो कि सही कनेक्टिविटी रहे। और साथ में आप टच कंट्रोल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और ऑडियो को भी, अगर अपने टीममेट्स से बात कर रहे हो BGMI खेलते समय, तो वो जो है यहां पर ऑडियो को भी इनहेंस करेगा। और अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पर एडिशनल सेटिंग्स है और यहां से वो मैजिक होता है जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली गेम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं BGMI की सेटिंग्स दिखाता हूं, जो टच रिस्पॉन्स है और जो सेंसिटिविटी है कंटिन्यूअस टैप्स की, देखो मैंने ये सेटिंग्स रखी हुई है, ये मेरे को बेस्ट लगी है मेरे गेम प्ले के अकॉर्डिंग। और साथ के साथ यहां पर आप टच रेसिस्टेंट एरिया भी रख सकते हो, अगर आपके हाथ बड़े हैं जैसे कि मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, तो वो वाला एरिया जो है ज्यादा से ज्यादा वो रेसिस्ट करेगा टच के लिए। और पर्सनली इनहेंस्ड विजुअल्स जो है ना मेरा फेवरेट है भाई, मैंने तो बिल्कुल ही इसको स्ट्रॉन्ग पे रखा हुआ है, बहुत मस्त डिटेल आती है गेमिंग के अंदर और ये सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है विजुअली। आपको छोटी छोटी चीजें भी दिखेंगी इसकी वजह से। तो ये जो GT मोड है हर एक गेम को अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करता है, आप जैसा देखना चाहते हो वैसा बनता है गेम। अब मैं आप लोग को BGMI खेलकर दिखाता हूं, इससे आपको पूरा अंदाजा लगेगा। और एक और फैंटास्टिक बात, इस गेम के अंदर जो है BGMI अल्ट्रा HD पर भी चलता है, जैसे कि आप लोग सेटिंग देख रहे हो। और अगर मैं आप लोग को गेम प्ले दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि ये भी सही तरीके से रन कर पा रहा है और जो मैंने GT मोड में सेटिंग्स की थी वो भी लाइक पूरा वर्क कर रही है, ये बहुत तेजी लगी मेरे को। और अगर मैं इसे कॉम्पिटिशन की बात करूं तो गाइज उसमें जो है कुछ ऐसी सेटिंग्स देखने को मिलती है और Poco X3 Pro के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स देखने को मिलती है, आप लोग देख ही रहे हो। ऐसे गाइज बहुत सारे लोगों ने वीडियो रिक्वेस्ट करी थी तभी मैं पॉसिबल कर पा रहा हूं, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना यार, बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत सालों से फोन रिव्यू कर रहा हूं, आई होप आपकी हेल्प होगी। अब बात करते हैं गाइज कॉल ऑफ ड्यूटी की। पर्सनली मुझे गेम बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मैं यहां पर इसकी GT मोड की सेटिंग दिखाऊं तो इन गेम शॉर्टकट्स आप अगर ऑन रखते हो तो गेम खेलते समय आपको टॉप राइट से स्वाइप करना है और यहां पर जो है GT मोड की सेटिंग्स आ जाएंगी। इसके अंदर अगर आप लोग जाते हो मेमोरी एक्सेप्शन के अंदर और आप चाहते हो आपका कॉल ऑफ ड्यूटी कभी बंद ही ना हो, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो इसको टर्न ऑन करके। और नीचे की साइड आपको जो है इनहेंस एक्सपीरियंस वाली सेटिंग्स भी मिलेगी, जिसके अंदर आप जो ऑटो ब्राइटनेस को टर्न ऑफ कर सकते हो, रीडिंग मोड को ऑफ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट जेस्चर को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन शेड ना खुले तो वो भी पॉसिबल है। और कॉल ऑफ ड्यूटी की सेटिंग्स की बात करो तो ये देखकर आप लोग लाइक पूरा हिल सकते हो, तो ये वेरी हाई मैक्स सेटिंग्स यहां पर देखने को मिलती है और ये एग्जैक्टली वही सेटिंग है जो कि iPhone के अंदर देखने को मिलती है। तो ये 20,000 के फोन के अंदर आ रहा है Poco X3 Pro के अंदर, मेरे को ये बहुत फैंटास्टिक बात लगी। और अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो गाइस वो भी बहुत अच्छा है, देखो।
और जो मैंने आप लोग को एडिशनल सेटिंग्स दिखाई थी ना BGMI में, वो आप कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए भी कर सकते हो गाइस, जैसे कि टच रिस्पॉन्स, वो सेंसिटिविटी कॉन्टिन्यूस टैप के लिए, और जो ग्राफिक्स इंक्रीज हुए थे, रिस्ट्रिक्ट एरिया, वो सब कुछ जो है आप हर एक गेम के लिए कर सकते हो। ये मुझे बहुत कूल लगी बात। और गाइस अब बात करते हैं एसफाइल 9 की। अगर मैं बात करूं इस गेम के बारे में, तो मैं पर्टिकुलरली इसको ना थोड़ा बहुत ग्राफिक्स टेस्ट करने के लिए फॉर श्योर खेलता ही खेलता हूं। अभी जो मैंने इसको डिफॉल्ट सेटिंग्स में खेला था, और मैंने आप लोग को जो GT मोड की सेटिंग्स बताई थी ना गाइस, वो सारी सेटिंग्स हमें जो है एसफाइल 9 के लिए भी मिलेगी, जिसके मैंने बताया था हर एक गेम के लिए यार ये सेटिंग्स। और अगर मैं इसका गेम प्ले आप लोग को दिखाऊं, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स पे मैं जिस इतना बता सकता हूं कि पूरा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस था, और ये मेरे लिए ट्रू वर्ड्स है। एक बार देखो, और लास्ट में आप लोगों से बात करना चाहूंगा जेंशन इंपैक्ट के बारे में। अब ये गेम जो है ना इतने हाई ग्राफिक्स के साथ आता है कि ये फोन से इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस डिमांड कर लेता है कि उसको हीट कर देता है। तो अगर इस हीट को मैनेज करना है, वैसे तो स्नैपड्रैगन 860 के अंदर देखने को मिलता है गाइस, और जो कि वेल ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है, एफिशिएंट भी मैं उसको बोल सकता हूं बहुत प्यार से, और वो इतना हीट नहीं करता जितना स्नैपड्रैगन 888 करता है। बट स्टिल अगर आपको हीटिंग मैनेज करनी है इस GT मोड के अंदर, एक और सेटिंग है जो कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का, आप इसको टर्न ऑन करोगे तो ये हीट भी मैनेज करेगा। और अगर मैं जेंशन इंपैक्ट की आप लोग को सेटिंग्स दिखाऊं, तो ये मीडियम 60 FPS पे मैंने खेला था, और गाइस इसने ऑब्वियसली भाई हीटिंग को बहुत सही मैनेज करा है। अगर मैं स्नैपड्रैगन 888 से भी कंपेयर करता हूं, क्या स्नैपड्रैगन 888 जो है ना थोड़ा सा एक्सेप्शन था, वो बहुत ज्यादा हीट कर रहा है फॉर सम रीजन। मैं आप लोग को जेंशन इंपैक्ट का गेम प्ले दिखाता हूं। ये सारे गेम्स खेलने के बाद गाइज मैं बहुत प्यार से बोल सकता हूँ कि ये गेमिंग बीस्ट फोन है, और 20,000 का जो प्राइस सेगमेंट है इसका, भाई इसके आसपास कोई भी नहीं भटक रहा है। जो स्नैपड्रैगन 860 है, जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसको सच में भाई गेमिंग के लिए टू गुड फोन बना रहा है। और जो GT मोड है वो तो भाई बहुत बड़ा बोनस है इस फोन के लिए। और गाइज मैंने जो है नॉर्मल मोड में भी गेम खेल कर देखा था, और GT मोड में भी, GT मोड में सच में बहुत ह्यूज डिफरेंस आता है, और वो एक्चुअली में वर्क भी करता है, ऐसा नहीं है कि कोई गेमिंग टाइप है। तो ये भी मेरे को लाइक बहुत सही बात लगी है, सच में पोको बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर आप अपने लिए कोई भी गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो, तो भाई मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा, आप खरीद सकते हो पोको X3 प्रो, फॉर श्योर खरीद सकते हो। लाइक बहुत दिनों से मेरे से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, फाइनली मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई गया हूं। आई होप आपने इंजॉय किया हो। अगर आपको ये पसंद आई है तो गाइज लाइक जरूर कर देना, और गाइज सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। और अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो आप यहां से चेकआउट करो, और अगर आप चाहते हो पोको X3 प्रो का रिव्यू देखना तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको मजा आए, और अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।